Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing Master Vocab series level 2 lesson 8. Okay, and this is the weekly schedule of the class, so you can take a screenshot of it. Okay, so the first word is bequeath, and what does it mean? It means leave a personal estate or one's body to a person or other beneficiary by will. Matlab apna virasat daan mein दे देना, ठीक है, दान में नहीं देना, जो जिस आदमी का नाम है बेनिफिशियरी में उसको वसीयत अपना दे देना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? ब्लैंड। ब्लैंड मीनिंग क्या होता है? सॉफ्ट और स्मूथ, मतलब कि जो नरम होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैंडोर। कैंडोर का मीनिंग क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बींग ओपन एंड ऑनेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंकनेस भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? खरापन, ठीक है, कि खरा खरा बात बोलता है वो लड़का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है? जहाँ पे मलबा गिरा हुआ होता है, तो जब कोई बिल्डिंग गिर जाता है तो वहां पे क्या होता है? मलबा बचता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डेब्रिस। स्कैटर्ड पीसेज ऑफ वेस्ट और रिमेन्स, जिसको हम बोलते हैं मलबा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिवॉइड, मतलब क्या होता है? एंटायरली लैकिंग और फ्री फ्रॉम, ओके, जिसको हम बोलते हैं रहित। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मिठाई होता है तो उसमें क्या बोलते हैं? इट इज डिवॉइड ऑफ शुगर, ओके, मतलब कि वो जो जिनको शुगर शुगर का प्रॉब्लम है तो उनके लिए शुगर फ्री मिठाई जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज डिवॉइड ऑफ शुगर, ओके। नेक्स्ट क्या है? एनकम्बर्ड। एनकम्बर्ड मीनिंग क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट और बर्डन समवन और समथिंग इन सच अ वे डैट फ्री एक्शन और मूवमेंट इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो किसी के ऊपर भार लाद दोगे तो क्या होगा? तो उसकी वजह से उसका क्या होगा? एक्शन जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? भारग्रस्त, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? मेकिंग ग्रेट डिमांड्स ऑन वंस स्किल्स अटेंशन और अदर रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब कि आपका क्या वैल्यू है, ठीक है, आपका वैल्यू किस पे छिपा होता है? वो आपके स्किल में छिपा होता है, ठीक है, या आपके आप कितने रिसोर्सफुल हो उस पर छिपा रहता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिमांड जब आप करते हो तो उसको आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टिंग। तो इसको हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं? मांग करने वाला, ठीक है, तो मांग करने वाला वही पर्सन होता है जिसके पास रिसोर्स होता है, जो रिसोर्सफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिजिबल। फिजिबल मतलब क्या होता है? पॉसिबल टू डू इजली और कन्वीनियंटली, ठीक है, मतलब कि आसानी से करने वाला, संभव करने वाला, तो उसमें हिंदी में बोलेंगे संभव, ओके। नेक्स्ट इज फोर्सफुल। इसका मीनिंग क्या होता है? स्पेशली ऑफ अ पर्सन और आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग एंड असर्टिव विगरस एंड पावरफुल, जो शक्ति युक्त है, मतलब जिसके पास शक्ति है उसको हम बोलेंगे फोर्सफुल, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फोर्सिबल मतलब बलपूर्वक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो डन बाय फोर्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोवरिश। इसका मतलब क्या होता है? मेक अ पर्सन और एरिया पुअर, ठीक है, किसी जगह या इंसान को पुअर कर देना, जिसको हम बोलते हैं शक्तिहीन करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लैंग्विड। इसका मीनिंग क्या होता है? वीक और फेंट फ्रॉम इलनेस और फेटिक, ठीक है, जो सुस्त होता है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं लैंग्विड, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलस। पॉपुलस मतलब क्या होता है? द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री और एरिया, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलस बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं आबादी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पॉपुलस। पॉपुलस मतलब क्या होता है? हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड, अधिक आबादी वाला, ठीक है, जैसे इंडिया में क्या हम दिल्ली को क्या बोल सकते हैं? इट इज अ पॉपुलस स्टेट, ठीक है, या हम बिहार को क्या बोल सकते हैं? इट इज अ पॉपुलस स्टेट, ओके। नेक्स्ट क्या है? प्रिल्यूड, और इसका नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? एन एक्शन और इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना रखना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हो तो आप क्या करते हो? अपने कंपनी का क्या करते हो? इंट्रोडक्शन देते हो थ्रू पावर पॉइंट, ठीक है, ओके, उसी को हम बोल सकते हैं प्रिल्यूड, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्वेवर, और इसका वर्ब फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? ऑफ अ पर्सन्स वॉइस शेक और ट्रेम्बल इन स्पीकिंग टिपिकली थ्रू नर्वसनेस और इमोशन, ठीक है, मतलब कि जब आप नर्वस होते हो, ठीक है, या इमोशनल होते हो तो उस समय आप क्या करते हैं? आपका आवाज जो है वो थरथराने लगता है, ठीक है, तो उसी थरथराहट को हम क्या बोल सकते हैं? क्वेवर, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज रेमोन्स्ट्रेट। इसका मीनिंग क्या होता है? मेक अ फोर्सफुली रिप्रोचबल प्रोटेस्ट, ठीक है, विरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज मतलब जांच करना, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थॉरली, किसी चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक
उसको इंस्पेक्शन करना, उसको हम बोलेंगे स्क्रूटनाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सीथ, एंड इसका वर्ब फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है, ऑफ अ लिक्विड बबल अप एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग बॉइल्ड, मतलब किसी लिक्विड को आप उबालोगे तो क्या होगा, वो बॉइल करेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे उबलना। नेक्स्ट वर्ड इज विम, इसका मीनिंग क्या है, अ सडन डिजायर और चेंज ऑफ माइंड स्पेशली वन डेट इज अनयूजल और अनएक्सप्लेन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जो मूड स्विंग होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, विम, ठीक है, जो जनरली लड़कियों को होता है, क्या मूड स्विंग होता है, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जिनका सिमिलर साउंडिंग है, ठीक है, बट इनका थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द यूकॉन इज नॉट अ डैश प्लेस, ठीक है, तो यूकॉन इज नॉट अ किस टाइप का प्लेस हो सकता है, पॉपुलस होगा या पॉपुलेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलस, ठीक है, ओके, ये ए नहीं होगा, पॉपुलस होगा, यू होगा, ओके, सो इट विल बी पॉपुलस, ओके। नेक्स्ट क्या, लिंकन वॉज नॉट अ डैश स्पीकर, ही वॉन पीपल बाय हिज सिंसियरिटी, ठीक है, तो वो किस टाइप का स्पीकर नहीं था, वो सिर्फ अपने सिंसियरिटी से लोगों का दिल जीत लिया, ठीक है। तो लिंकन वॉज नॉट अ फोर्सफुल, ठीक है, मतलब कि जबरदस्ती नहीं बात करता था, ठीक है, वो अपने हार्डवर्क और सिंसियरिटी से लोगों का दिल जीतता था, ठीक है। द डैश विल डिराइव ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम द न्यू लेजिस्लेशन, ठीक है, तो किस वजह से न्यू लेजिस्लेशन को न्यू लेजिस्लेशन में बेनिफिट होगा, तो इसमें क्या होगा, पॉपुलस होगा या पॉपुलेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द गेम वार्डन्स हैड टू यूज डैश मीन्स टू अरेस्ट द पोचर्स, ठीक है, तो बोल रहा है जो गेम वार्डन्स थे उनको किस टाइप का मीन्स यूज करना पड़ा ताकि पोचर्स को अरेस्ट कर सके, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्सिबल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्कस्ड अर्लियर, तो हमने जो भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उसमें से हमें वर्ड फाइंड आउट करना है और हमें सही जगह पे इसे भरना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ रिसेंट फॉर्जरीज द बैंक टेलर्स हैव बीन आस्क्ड टू डैश ऑल द $10 बिल्स, ठीक है, तो किसी फॉर्जरी मतलब किसी का साइन, गलत साइन करके बैंक से पैसा निकाल लेना, ठीक है, उसको हम फॉर्जरी बोलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि रिसेंट फॉर्जरीज की वजह से क्या, जो बैंक टेलर्स पे जो बैठते हैं जो लोग, ठीक है, तो उनको क्या कहा गया है, टू स्क्रूटनाइज, ठीक है, मतलब कि अच्छे से जांच करिए, ठीक है, जो $10 के बिल है, ठीक है। नेरो लाइक द स्पॉइल्ड चाइल्ड एक्सपेक्टेड हिज स्लाइटेस्ट डैश टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है, तो वो बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा है तो उसका क्या रहेगा, उसका मूड स्विंग करेगा, कभी बोला खाना खाएंगे, कभी बोला कि हम खेलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बोला था, मूड स्विंग के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, विम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई एम्प्लॉयर इज वेरी डैश, ही डिमांड्स डिटेल्ड डेली रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो बोल रहा है कि मेरा एम्प्लॉयर कैसा है, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड हम यूज करेंगे, एग्जैक्टिंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, द बिल्डर्स लेफ्ट अ ग्रेट डील ऑफ अनसाइटली डैश इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है, तो बिल्डर्स ने क्या छोड़ दिया, डेब्रिस छोड़ा होगा, ठीक है, जिसके वजह से उनको परेशानी हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द हाउलिंग ऑफ द विंड सीम टू बी अ डैश टू द अप्रोचिंग स्ट्रॉम, ठीक है, तो जो हाउलिंग ऑफ विंड है उसके वजह से क्या हमें लग रहा है, अ सीथ, ठीक है, और सीथ का मतलब हमने क्या पढ़ा था, बॉयल और बबल, ठीक है, ओके, मतलब कि एक तरीके से वो स्ट्रॉम जो अप्रोच कर रहा है उसका एक क्या था, संकेत था, ठीक है, ओके। इट वुड नॉट बी डैश टू ट्रेवल बाय रोड आफ्टर सच अ हेवी फॉल ऑफ स्नो, ठीक है, तो बोल रहा है कि इट वुड नॉट बी डैश टू ट्रेवल, मतलब कि इट वुड नॉट बी वाइज टू ट्रेवल, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, फिजिबल, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि रोड से ट्रेवल करना सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हेवी स्नोफॉल हुआ है। नेक्स्ट क्या, माई आंट हैज प्रोमिस्ड टू डैश टू मी दैट 18th सेंचुरी चेयर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोमिस टू, जो हम अपने विल में देंगे, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, बीक्विथ, ठीक है,
ओके नेक्स्ट क्या है, आई एम अफ्रेड ही विल डैश हिज फैमिली इफ ही कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट द मनी अनवाइजली। अगर वो अपने मनी को जो है अनवाइजली खर्च करेगा तो डर है कि ही विल क्या होगा, ही विल इम्पोवरिश, कंगाल कर देगा। ठीक है नेक्स्ट क्या है, द ओल्ड सेलर टोल्ड टॉल टेल्स विथ सच अपेरेंट क्या कैंडोर। ठीक है मतलब खरा खरा बात बोल रहा था, डेट मेनी पीपल बिलीव हिम। ठीक है क्योंकि वो खरा बात करता था इसीलिए लोग उस पर विश्वास करते थे। ठीक है द होल स्कूल डैश विथ एक्साइटमेंट एज द डे ऑफ द बिग गेम अप्रोच्ड। ठीक है तो क्या होगा, द होल स्कूल प्रीलूड। ठीक है ओके नेक्स्ट क्या है, व्हेन आई हर्ड हर वॉइस डैश आई न्यू डैट शी वॉज क्लोज टू टीयर्स। तो बोलते बोलते लोगों के आंखों में कब आंसू आ जाता है, जब वो इमोशनल होते हैं, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, जो वॉइस में जो ट्रेम्बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेवर। ठीक है नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो ही हैड कॉज टू बी अनॉयड हिज टोन्स वर डिवॉइड ऑफ एंगर। ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवॉइड होगा। ओके यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज अ वंडर डैट द एविएटर रीच्ड शोर। ठीक है डैश एज ही वॉज बाय हिज पैराशूट। ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा, एज ही वॉज मतलब कि बिखरा हुआ था या ढका हुआ था, तो उसके लिए क्या होगा, एनकम्बर्ड। ठीक है नेक्स्ट क्या है, द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड अ डैश ऑइंटमेंट फॉर द रैश ऑन द बेबी स्किन। तो बेबी का स्किन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और उसके लिए किस टाइप का ऑइंटमेंट चाहिए होगा, जो मुलायम होगा, उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, ब्लैंड। ठीक है नेक्स्ट क्या है, आई शैल हैव टू डैश विद द न्यूज बॉय इफ ही इज लेट अगेन। तो क्या होगा, आई शैल हैव टू रेमोन्स्ट्रेट। ओके नेक्स्ट क्या है, हिज डैश मैनर इंडिकेट्स दैट हिज इलनेस मस्ट हैव बीन सीवियर। तो उसका किस टाइप का मैनर, मतलब कि बहुत ही सुस्त मैनर होगा, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, लैंग्विड। ओके सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट माई अपकमिंग वीडियो। Thank you so much.